जी हाँ, आज मैं लेकर आई हूँ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक की रेसिपी। स्ट्रॉबेरी थोड़ी ही समय के लिए मार्केट में आती है, लेकिन इसका मिल्क शेक जो है ना वो बहुत ही अमेजिंग बनता है। आप पूरी वीडियो देखिएगा इसको परफेक्ट बनाने के लिए, और आप इसको फास्टिंग में भी ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सानियास किचन। तो आइए जल्दी से देखते हैं इस स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक को घर में परफेक्शन के साथ आसानी से कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने करीबन 150 ग्राम के आसपास स्ट्रॉबेरीज ले ली हैं और इसको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है 3 से 4 बार। तो चलिए इनकी कटिंग शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम इसका हेड निकालेंगे इस तरीके से। तो बहुत आराम से ऐसे निकाल दें इसको ऊपर से। ये देखिए, तो सारे हमने इसके ऐसे हेड्स निकाल दिए हैं। अब हम इसकी प्रॉपर कटिंग करेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर इसकी 2 कट लगा सकते हो या 3-4। तो ये देखिए, मैंने इनको इस तरीके से बराबर 4 भागों में काटा है। और आप इनको ऐसे भी इसको आप ब्लेंड कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके जार पर। ये देखिए, मैंने सारी स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो ऐसे काट ली हैं। स्ट्रॉबेरी मैंने जैसे बोला कि सीज़न बहुत थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन ये मिल्क शेक के रूप में तो बहुत ही अमेजिंग लगती है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए, सारी कट के तैयार हैं। चलिए इनको ब्लेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जार ले लिया है और इस तरीके से डाल देंगे सारी इसमें। ये देखिए, तो बहुत ही आसान है इसको बनाना। ये देखिए, अब हम इसमें थोड़ी सी शुगर डाल देंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, जितनी भी आपको पसंद है, जैसे भी आप पीना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये स्ट्रॉबेरी क्रश। तो ये मैंने अभी बनाया है और इसकी मैं वीडियो जो है आपसे अगली बार शेयर करूँगी। इसके बाद आप ज़रूर देखिएगा इसको, आप एज अ जैम और इसको आप आइसक्रीम्स में, मिल्क शेक में कैसे भी यूज़ कर सकते हो। पर अगर आज ये नहीं है तो आप इसको रहने भी दे सकते हो। तो यहाँ पर एक पूरा कप भरकर दूध का डाला है और इसको हम अच्छे से अब ब्लेंड कर लेंगे। और ये देखिए, सुपर टेस्टी यमी, कितना रिची टेक्सचर वाला हमारा ये तैयार हो गया है। ये देखिए, इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आ रहा है। तो सुपर टेस्टी मिल्क शेक बनता है ये, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप जब पियेंगे ना, आपको पता लगेगा कि ये कितना बढ़िया, मतलब रेस्टोरेंट से भी इतना अच्छा बनता है, ये बहुत ही बढ़िया बनता है। तो ये देखिए, इसको ऐसे आप कीजिए। और यहाँ पर मैंने मलाई को ना थोड़ा सा बीट कर लिया था, फ्रेश मलाई को, तो उसको बीट करके थोड़ा शुगर डाल के, तो उसको उसकी हम गार्निश कर रहे हैं। ये देखिए, और इसको हम ऊपर से जो हमारा जो स्ट्रॉबेरी क्रश है उससे हम इसको थोड़ा सा टॉपिंग कर देते हैं। लगता है ना कितना अमेजिंग। तो अगली वीडियो आप मेरी ज़रूर देखिएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, इस वजह से इसमें बहुत ही बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाता है। तो ये स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक की रेसिपी, होप आज आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें हमारी वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स में। और अगर आप आज ही मेरे चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल के साथ कीजिए, जिससे कि मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएँ जो भी मैं अपलोड करती हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी फ्रूटफुल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।